चलो जी, तो फिर आज हमारी फाइनली जर्नी का सा लास्ट दिन है जी। तो आज हमारी लास्ट क्लास यहाँ पे खत्म हो जाती है। आई होप आपको डाउट्स नहीं होंगे और आई होप आपको मजा आया होगा क्लासेस के अंदर। सर 100 लेक्चर हमने एक साथ गुजारे हैं, मतलब मेरे लिए लास्ट क्लास थोड़ा इमोशनल बन जाती है कि मतलब आपको मैंने 100 दिन लगातार पढ़ाया तो मुझे ऐसा लगता है कि एक फैमिली बन जाती है। बस मेरे को मतलब मुझे आपसे अटैचमेंट बहुत हो जाती है। आपकी मुझसे अटैचमेंट होगी मेरे को पता है, बट मेरी अटैचमेंट और आपके अटैचमेंट के अंदर थोड़ा सा फर्क होता है सर, क्योंकि मतलब चलो मतलब मैं आप ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अभी तक सुना ध्यान से, अब आज हमारी जो लास्ट क्लास सर यहाँ पे है ना, अच्छा आप ध्यान रखना कल क्लास मत आना, कहीं उठ के क्लास आ रहा हो, कल हमारी क्लास नहीं है। फिर मुलाकात करेंगे जब आपका अच्छा अच्छा रिजल्ट आएगा ना, उसके बाद फिर आप मिठाई लेके आना, फिर मैं पक्का मुलाकात करेंगे दोबारा से। और अगर डाउट्स के लिए हो तो कोई मोस्ट वेलकम है जी। अच्छा आप सुना ध्यान से, अब आज मैं आपके 5 से 7 मिनट बस मैं और लूंगा, उसके बाद फिर ओके बाय बाय करेंगे, आराम से घर जाके आप एंजॉय कर सकते हो। और मैं 5 से 7 मिनट जो मैं सर आपके लेना चाहता हूँ ना, ये बातें वैसे मैंने क्लास में बहुत बार डिस्कस की हैं, बहुत बार बता चुका हूँ, बट फिर भी मेरा दिल मानता नहीं है ना कि चलो लास्ट क्लास है, कुछ बातें मैं एक बार दोबारा से बता दूँ ताकि आपको याद रहे कि जो लास्ट क्लास में सर ने बातें बताई थी ना, अब वो अगले आने वाले जितने दिन हमारे रिजल्ट के बच्चे सॉरी एग्जाम के बच्चे हैं वो सारे हमें फॉलो करने हैं। 7 बातें आपको बताऊंगा सर, और 7 बातें ऐसी हैं जिस टाइम हमारे पास ये होती है ना, हमें लाइफ में उनका पता नहीं लगता, उनकी वैल्यू हमें तब पता लगती है जब वो हमारे पास नहीं होती। और नॉर्मली सर ऐसा होता है, कुछ लोग लाइफ में ना हमारे ऐसे होते हैं कि जब वो पास होते हैं तो उन्हें पता नहीं, हमें पता नहीं लगता, जब वो दूर जाते हैं ना फिर हमें लगता है ओहो ये मतलब हमारे साथ क्या हो रहा है। एक्चुअल में ना एक मतलब फीलिंग एक अलग ही आती है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, वो टोटल 7 चीजें मुझे लगता है, अगर वो 7 चीजें आपके पास हैं हमें नहीं पता होता, जब वो जाती हैं हमें उसमें पता लगता है, तो मैं ये कहता हूँ कि आपके पास वो जाए ही नहीं, आपको स्टार्टिंग से वो रिस्पेक्ट करनी है सर। और अगर बिलीव में अगर आपने इन 7 बातों की रिस्पेक्ट करनी ना, आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। आप मुझे याद करोगे सर विवेक सर ने ये बातें बोली थी। अब इधर सुना ध्यान से, अगर मैं बात करता हूँ ना, सबसे पहली बात टाइम की मैं बात करूंगा सर। एक बात मैं सोच के बोला, आज हमारे पास टाइम है बट हमें टाइम की वैल्यू नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या, जब हमारे पास टाइम होता नहीं ना, जैसे अब लास्ट में 5 7 दिन होंगे ना, तो हम पता क्या बोलते हैं, यार प्लीज यार भगवान 1 महीना और होता हमारी तैयारी और अच्छी हो जाती। तो मैं अभी भी आपको डेली ये बात बोलता हूँ, यार अभी भी टाइम है, आपकी 21 दिन के अंदर महाभारत खत्म हो गई थी, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है और आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, तो प्लीज टाइम की रिस्पेक्ट करना सीख लो सर। मुझे इतना पता है आज गिने चुने लोगों के जो हम नाम याद करते हैं ना, उनकी वैल्यू और वो वहां तक तभी पहुंच पाए अगर उन्होंने टाइम को रिस्पेक्ट दी होगी। सर बिलीव मी, हम अगर टाइम को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, हम उसकी वैल्यू ही नहीं करेंगे ना, मुझे लगता है लाइफ में हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और शायद आपने कभी देखा हो, आपके पास मैं कभी भी क्लास में सर आया हूं ना, मतलब मैंने पूरी कोशिश की है 100 के 100 लेक्चर में कि अगर मेरी क्लास जिस टाइम पर है मैं उस टाइम से पहले या वहां तक आ जाऊं, ताकि मेरी फैमिली के सिंगल बच्चे का भी टाइम वेस्ट ना हो। तो प्लीज मैं आपसे ये रिस्पेक्ट करूंगा सर, लाइफ में आप कहीं भी आके जाना ना, टाइम की रिस्पेक्ट जरूर करना, क्योंकि जो टाइम की रिस्पेक्ट करता है टाइम उसकी भी रिस्पेक्ट करता है। सेकंड सर मैं आपको यहाँ पर बोलूंगा पैसे की। सर बिलीव मी आज हमें पैसे की वैल्यू नहीं, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होंगी, उनसे पूछो पैसे की वैल्यू होती क्या है। सर जो बाहर लेबर काम कर रही है, जो बाहर सड़कों पर बैगर्स पैसा मांग रहे हैं, आप उनसे पूछो अगर हम उनको 10 रुपए देते तो उनके चेहरे पर कितनी स्माइल आती है। बट आज हमारे पास कईयों के पास पैसा है, हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, कहीं पर भी खर्च करते हैं बिना देखे। तो प्लीज आपके पास पैसा है उसकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि जब पैसा टाइम एक जैसा नहीं होता सर, मैं कहता हूँ भगवान से हमेशा पैसा आपके पास रहे, बट मैं ये बात कर रहा हूँ कि उस टाइम ना ये फील ना हो कि यार उस टाइम हमने ये गलती की थी, शायद वो उस चीज के कर्म तो नहीं है जो आज हम भोगने पड़ रहे हैं। तो प्लीज सर अगर पैसा है रिस्पेक्ट करो, बहुत मेहनत से कमाया जाता है, आपके पेरेंट्स का है, आपने फिजूल खर्ची नहीं करनी, आपने हमेशा रिस्पेक्ट करनी है कि जो मेरे पास पैसा उसके मैं रिस्पेक्ट करूंगा। तीसरी बात यहां पर पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, दोस्त हैं। सर बिलीव आज के टाइम के अंदर मैं देखता हूँ कि आजकल के बच्चे जो है ना, मतलब ऑब्वियसली बात है मैं भी आपकी कैटेगरी का हूँ, बट मैं भगवान का शुक्र गुजार हूँ कि मतलब मुझे भगवान ने इन सब सब चीजों से थोड़ा सा बचा के रखा। बट मैं कहता हूँ आप भी दूर रहो, बट बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ सर अपने पेरेंट्स से वो इरिटेट हो जाते हैं, उनके ऊपर गुस्सा करते हैं, उन सही से बात नहीं करते। सर आपको नहीं पता उनके दिल पे क्या गुजरती है, वो आपसे मुंह पे नहीं बोलते बट उनके दिल पे उनको बहुत बुरा लगता है सर। तो प्लीज यार प्रॉब्लम पता है कि आप पेरेंट्स की ना वैल्यू उन लोगों से, वो जिनके पेरेंट्स नहीं है, जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं ना उनसे पूछो सर। कई बार मैं क्लास के अंदर बोलता हूँ ना पेरेंट्स के बारे में, मैंने बोलना कम कर दिया क्योंकि बच्चा इमोशनल हो जाता है, और फिर बच्चे मुझे मैसेज करते हैं सर मतलब जिनके पेरेंट्स नहीं है कुछ हो गया, तो कहते हैं सर प्लीज ऐसी बातें मत किया करो। तो प्लीज मैं आपसे बोलता हूँ जिनके पेरेंट्स हैं आपके पास है आपसे दूर है उनकी रिस्पेक्ट करो। बिलीव मी उनसे बड़ा भगवान ना कोई है, ना कभी होना ना कभी आएगा, वो विजिबल गॉड सर, विजिबल आपको ना अभी नहीं पता लगता यार, अभी नहीं पता लगता। आप उनके दिल से पूछो, उनकी एक एक रू जो है ना, एक एक रू जो है वो आपकी ब्लेसिंग के लिए है। आपको पता नहीं आज जो हम यहाँ पे है ना सर, हमारी जिंदगी जो है मैं कह रहा हूँ उनकी है सर।
अगर हमारी जिंदगी भी देनी पड़ जाए पेरेंट्स के लिए, सर बहुत बहुत बड़ा काम होगा। तो प्लीज उनकी रिस्पेक्ट करो, टीचर की रिस्पेक्ट करो, मतलब टीचर्स की अगर रिस्पेक्ट करोगे सर, टीचर और पेरेंट्स अनकंडीशनल लव करते हैं, और जो सच्चे दोस्त हैं जो आपका भला चाहते हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करो। जब बहुत दूर चले जाते हैं ना, फिर हमें याद आता है, फिर हमें रोना आता है। मैं नहीं चाहता हमारी लाइफ में कभी दिन ऐसा आए आपको अभी पता लग जाए कि नहीं यार हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी है। उसके बाद खाने, खाने की रिस्पेक्ट करो सर, बिलीव मी आप बहुत सारा खाना वेस्ट करते हो। मैं देखता हूँ बाहर सड़कों पे खाना घिरा होता है, आपने ज्यादा मंगा लिया, घेर दिया, बिलीव मी आप चेक करो, आप शादियां होती हैं और वहां पे भी खाना कई बार वेस्ट होता है। आप उनसे बोलो, जो बाहर लोग भीख मांगते हैं, जो खाने के लिए तरसते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें कुछ खिला दे, आप उनसे खाने की वैल्यू पूछो। सर प्रॉब्लम क्या, हमारे पास है तो हमें वैल्यू नहीं है, बट जिनके पास नहीं है उनको तरस जाते हैं कि हमारे पास ऐसी लाइफ होनी चाहिए। तो भगवान ने अगर हमें ऐसी लाइफ दी है ना, तो वो लाइफ हमें आगे लेके जानी है यार। मतलब हमें अपने कर्म से उसको, लाइफ को नहीं बिगाड़ना, क्योंकि कर्म फल भोगना पड़ता है। मैंने आपको क्लास में कई बार बोला, आपको मेरी बातें बुरी लगती होंगी और आपको ये लग भी रहा होगा कि यार सर ने कितनी बार हमारा दिमाग खा लिया, बट मैं क्या करूं सर, मजबूर हूं ना मैं, क्योंकि मेरे दिल में बहुत है कि भैया नहीं यार, मैं जाते जाते बस 10 मिनट आपके ले लूं, समझा के जाऊं। समझना ना समझना आपके ऊपर है, समझना ना समझना आपके ऊपर है। मेरा काम मेरी फैमिली को समझाना है, ताकि हर बच्चे के दिमाग में बैठ जाए कि रिस्पेक्ट करनी है खाने की, गिरना नहीं है, वेस्ट नहीं करना। गिरने से पहले किसी को दे दो जिसको नीड है, ताकि वो खाना हमारा वेस्ट ना हो। भगवान, मुझे नहीं पता भगवान होंगे, जरूर होंगे, मैं तो मानता हूं, बट मैं अपने पेरेंट्स को उनसे ज्यादा मानता हूं। मैं ऑलवेज ये बात करता हूँ, भगवान के मंदिर में जब भी जाता हूँ मैं कहता हूँ भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पेरेंट्स को हमेशा कुछ रखना, आपने भी हमेशा यही मांगना है। सर अपने लिए मांगना छोड़ दो, दूसरों के लिए मांगना स्टार्ट कर दो, अपने पेरेंट्स के लिए मांगना स्टार्ट कर दो। आपको पता नहीं है, आपको अपने आप मिल जाएगा। अभी प्रॉब्लम पता है कि आपको लगता है ना कि यार वहां जाके हम मांगेंगे तो भगवान हमें दे देगा। भगवान तो उनके हाथ बहुत बड़े हैं सर, भगवान आपको सब कुछ दे देगा, बट अगर आपने दूसरों के लिए मांगा ना, अपने पेरेंट्स के लिए मांग लिया, क्योंकि पेरेंट्स हमारे लिए मांगते हैं। पेरेंट्स अगर हमारे लिए मांगेंगे, सोच के देखना, अगर वो हमारे लिए मांगेंगे, हम अपने लिए मांगेंगे, उनके लिए फिर कौन मांगेगा? और जब तक वो हैं, वो तब तक हमारे लिए ही मांगेंगे। तो बेटर क्या है, भगवान के पास जब भी जाओ दूसरों के लिए मांगो, पेरेंट्स के लिए मांगो, अपने लिए मांगना छोड़ दो। आपको लाइफ में जो चीज चाहिए ना, वो कुदरती आपने मिल जाएगी। आप कहोगे मैंने तो मांगी भी नहीं थी, वो क्यों मिल गई? क्योंकि आपने भगवान से मांगा उनके लिए जो आपके लिए मांगते हैं। तो प्लीज भगवान की आपने रिस्पेक्ट करनी है सर। भगवान आपसे चाहता है कि आप अपने लिए मत मांगो, भगवान ये चाहता है कि आप उनके लिए मांगो, बट हम अपने लिए मांग लेते हैं। भगवान ये नहीं कि उसको बुरा नहीं लगता यार, भगवान को थोड़ा बुरा लगेगा, भगवान ने तो हमें जन्म दिया, बट फिर उसे कहीं ना कहीं लगता है यार कि मतलब इसके विजिबल गॉड जो है ये उनके लिए नहीं मांग पा रहा, क्योंकि जिंदगी तो उन्हीं की दी हुई है, और अगर उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो मैं बच्चे को कितना दूं, कैसे दूं, वो कई बार उनको दिक्कत आती है। फिर उसके बाद सर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करो, ऑलवेज बोल चुका हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर बिलीव करो, आपसे बढ़िया कोई नहीं है। अगर आप सही काम कर रहे हो, बेस्ट हो, दूसरों की बातों में आना छोड़ दो। आप अगर अपने ऊपर बिलीव करोगे ना, अपने ऊपर बिलीव करने वाले इंसान ही लाइफ में बहुत आगे गए हैं सर, और आपके अंदर कैपेबिलिटी है। जितने बच्चे यहाँ पर मेरी क्लास में बैठे हैं ना, हर बच्चे में कैपेबिलिटी है उस तक जाने की जो आपके पेरेंट्स के चेहरे पर स्माइल दे जाए। और एक लास्ट, आपका मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपकी क्लास वैसे थोड़ी लंबी हो चुकी है, हेल्थ का ध्यान रखो सर। बहुत सारे बच्चे CA CS में आते हैं, अपनी हेल्थ पे, जो अपनी लाइफ को ध्यान नहीं दे पा रहा, अपनी हेल्थ को ध्यान नहीं दे पा रहा, वो लाइफ में आगे क्या पड़ेगा? क्योंकि अगर हेल्थ ही नहीं होगी तो हम कोई काम नहीं कर सकते। प्लीज योगा स्टार्ट करो, मेडिटेशन क्या करो डेली 1 घंटा, अगर आप अपनी लाइफ को नहीं दे पा रहे ना, आपके जीने का फायदा ही नहीं है। सुबह जल्दी उठो, शाम को थोड़ा बहुत जिम जाओ, घूमने जाओ, जितना आप वॉक कर सकते हो करो, मतलब अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, क्योंकि अगर हेल्थ बढ़िया होगी तो सब कुछ बढ़िया होगा। अगर हेल्थ ही बेकार होगी, ना पढ़ाई होगी, ना ड्रीम्स पूरे होंगे, जो हमारे ड्रीम्स है ना वो रह जाएंगे, ठीक है ना। और आपको मैंने कहा ना टाइम, सर टाइम की ना वैल्यू उन लोगों से ब्रो जो अपनी जिंदगी के लास्ट स्टेज पर है, वो होता क्या बोलते हैं कि भगवान थोड़ा सा टाइम और दे दे यार, थोड़ा सा और दे दे, मेरे ये काम बचे हैं। टाइम भगवान ने दिया था, उस टाइम हमने किया नहीं, अब हमारा टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अब हम कह रहे हैं भगवान थोड़ा टाइम और दे दे। तो भगवान को तो, भगवान ने तो टाइम बहुत दिया था सर, टाइम बहुत है, हम मैनेज नहीं कर पा रहे। तो हमें पहचानना होगा क्या चीजें, 7 चीजें हैं, रिस्पेक्ट कर लो, लाइफ बदल जाएगी। आपको अभी नहीं पता, अभी मेरी बातें पागल लगती हैं, बेकार लगती हैं आपको, मैं पागल लगता हूँ, मैं बेकार लगता हूँ, बट मैं पागल और बेकार हूं अगर आप समझते हो, बट फिर भी मुझे आपका भला चाहता हूं कि आपके पेरेंट्स एक दिन मुझे मैसेज बोले कि आपने मेरे बच्चे की लाइफ चेंज की है। सिंगल बच्चे की भी अगर लाइफ चेंज हो गई ना, मेरी जिंदगी अपने आप सफल हो जाएगी, ठीक है जी। एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे 100 लेक्चर झेला, बट मुझे इतना पता है कि आज जाके आपने कुछ नहीं करना, ब्लड टेस्ट करवाना है। आप अंदर से देख लेना, अगर आपके अंदर से ब्लड की जगह GST टैक्स और कस्टम ना निकला, फिर आप मुझे आके बोल देना, सर मैंने पूरी बेस्ट दे दिया आपको। और मिलेंगे, मुलाकात करेंगे फिर, अब जो अगले आने वाले बैचेस होंगे जनवरी में नए नए बच्चों के साथ,
ठीक है जी। और बाकी आप भी आके मिल सकते हो, रिजल्ट के बाद तो मिलूंगा ही मिलूंगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, यूट्यूब पे लगा रहूंगा, आपका भाई वहां पर आपको मिलता रहेगा। हाँ ठीक है ठीक है, मैं बता दूंगा, कोई टेंशन मत लो, बताऊंगा। चलो चलो ठीक है, बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ अभी अपना रिफ्रेशमेंट लेके जानी है जी। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। दिवाली मनेगी तो 25 फरवरी को मनेगी। थैंक यू सो मच यार, लव यू, जीते रहो, खुश रहो, खुश रखो, खुश रहो बस। थैंक यू यार, थैंक यू।